संपतचक ब्लॉक के जो नगर परिषद का चुनाव हो रहा है उस बूथ पर आए हैं और यहां से जो जानकारी मिल रही थी, समय है 10:39 हुआ है, लेकिन 3 नंबर बूथ पर अभी तक ला कोई भी बूथ, 3 नंबर का जो बूथ है उस पर एक भी वोट पोलिंग नहीं हुआ है। का जो मशीन का त्रुटि था जो अभी सुधार किया जा रहा है, लेकिन क्या बिहार के प्रशासन और बिहार के जो डीएम साहब हैं, टाइम आपका जो बना हुआ है और उसी टाइम में वोट पड़ेगा, समय का गैप हुआ, क्या टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, इस विषय पर हम बात करने के लिए जो यहाँ बूथ पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या सर, कब से ये मशीन खराब है? अभी करीब 10 बजे के लगभग। 10 बजे के लगभग, 10:15 में, 9 बजे से ही खराब है मशीन। 9 बजे से खराब? हाँ हाँ, 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटा से। हाँ, लेकिन अभी तक मशीन बना नहीं, बन गया, अब बन गया है, अब लगा रहे हैं। सर 10 बजे से, 9 बजे से यहाँ के पब्लिक लोग का कहना है कि 9 बजे से? नहीं नहीं नहीं, 9 बजे हम काउंटिंग किए हैं साहब, 9 बजे के। क्या 9 बजे के काउंटिंग का टाइम दिखा सकते हैं? जी जी, दिखाया जाए। जी जी, कहाँ है टाइम आपका, 9 बजे का टाइम दिखाया जाए? जो मेरा रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग है कहाँ, उसमें से कैसे टाइम को आप पता कर सकते हैं कि टाइम है? अरे तो हम टाइम क्यों नहीं पकड़ सकते? कितना देर में? 9 बजे, 9 बजे, 11 बजे और ई बजे जो ये है। कितने देर में चालू होगा? बस प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ। देने के लिए जो वोटर हैं लाइन में वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ का जो स्थिति था वो करीब 1.5 घंटे से मशीन खराब था। प्रेसाइडिंग ऑफिसर से बात कर रहे थे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया कि 10 मिनट पहले खराब हुआ, लेकिन यहाँ के जो पोलिंग एजेंट है या वोटर हैं वो सब का कहना था कि वोट मशीन 9 बजे से खराब है और इसके कारण यहाँ इतना लेट हुआ है। तो बिहार के प्रशासनिक डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो टाइम है और जो बीच का टाइम का दिक्कत हुआ है उस चीज़ को देखा जाए और एक्स्ट्रा टाइम यहाँ दिया जाए। सर यहाँ का जो लोग को कहना था कि 1 घंटा से मशीन खराब था यहाँ का 3 नंबर बूथ पर, तो इस पर क्या करना, क्यों सर ऐसा क्यों खराब हो? नहीं देखिए, कभी कभी होता है कोई अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उसके लिए जो है ये सेक्टर मजिस्ट्रेट जो रहते हैं और उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं वो प्रतिनियुक्त रहते हैं। अगर थोड़ी बहुत जो खराबी आती है समय उसको दूर कर लिया जाता है, और इसके अलावा अगर जो कोई देरी होती है तो उसके लिए देखा जाता है कि जब लोग पूरी संख्या में अपना आ जाते हैं, अगर शाम को जो 5 बजे का समय है उसके दौरान जो भी लोग लाइन में लग जाएंगे उनका पूरा मतदान कराया जाएगा, इसलिए किसी को भी मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। क्या सर जो बीच में इतना देरी गैप हुआ है तो क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? वो अगर जरूरत पड़ेगी लोग 5 बजे के अंदर जो भी लाइन में लग जाएंगे सबको मतदान कराया जाएगा। कुछ लोग को कहना है कि टाइम है लिमिट, लेकिन इतना देरी जो गैप है यहाँ का वोटर, देखिए वोटर की संख्या इतना नहीं है कि वो जो पंचायत चुनाव होते हैं उसकी अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो पर्याप्त समय है। और उसके बाद मैंने बताया कि समय 5 बजे का जो क्राइटेरिया है, जो समय है, अगर उसके अंदर जितना भी लोग आ जाएंगे जो भी मतदान कर के लिए आएंगे उनको सबको मौका दिया जाएगा, चाहे उसके बाद मतदान जितना भी देरी तक चले, लेकिन 5 बजे तक जो भी लाइन में लग जाएंगे उनका मतदान कराया जाएगा। ठीक है सर। पटना के सिटी एसपी थे और मतदान के प्रति जो 1 घंटा से मशीन जो खराब थी उस विषय पर बात हुई और सिटी एसपी के द्वारा ये बताया गया कि जो बीच में टाइम का जो गैप हुआ है वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और जो भी मतदान करने लोग आएंगे उन सभी को मतदान देने दिया जाएगा, किसी को मतदान देने से वंचित नहीं किया जाएगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज़।